हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं और आज है 16 अक्टूबर और वीकली करेंट अफेयर यानी कि एक हफ्ते का संपूर्ण रिवीजन कराने चल रहे हैं। तो बिल्कुल फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होंगे। फटाफट रिविजन करेंगे जितना हम लोगों ने एक हफ्ते में पढ़ा है, और उस एक हफ्ते का पूरा संपूर्ण रिविजन करेंगे जिससे हमारे सारे पुराने अब करेंट भी वो अपडेट हो जाए। सभी को नमस्कार, स्वागत है सभी का। सभी लोग जल्दी से आ जाइए। आइए देखते हैं इसके पहले कुछ क्वेश्चन को, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम में, फटाफट जुड़िएगा और एक हफ्ते का पूरा रिवीजन करते चलिए, ठीक है। तो देखिए आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा, कह रहा भैया कि किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस, एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम क्या है आपका ऑप्टस, और ऑप्टस हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आई। तो जो टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस है वो क्या हुआ, साइबर हमले की भी चपेट में आ गई है। और ये जो साइबर हमले की चपेट में है, पूछ रहा है किस देश से आपका है, किस देश का कंपनी है ये, कह रहा अमेरिका का है, जापान का है, रसिया का है, या आपका ऑस्ट्रेलिया का है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। तो देखिए अगर हम बात करना चाहेंगे क्या हो जाएगा इसमें, ऑस्ट्रेलिया, क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की जो एक टेलीकॉम कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, किस देश की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम क्या है आपका ऑप्टस, और ऑप्टस हाल ही में साइबर हमले की चपेट में आ गई, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा, इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो ये जो ऑप्टस साइबर हमला हुआ है इससे लोगों की जो निजी जानकारियां थी उसके साथ क्या किया गया, छेड़छाड़ किया गया था। तो इसीलिए क्या किया गया है आपका, चर्चा में है आपका टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसको आप जरूर से जरूर याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा आपका प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वायुसेना दिवस आपका कब मनाया जाता है। अभी देखिए अक्टूबर माह चल रहा है और अक्टूबर महीने में ही आपका वायुसेना दिवस आपका मनाया जाता है। आप इसमें देख सकते हैं, कह रहा आपका 8 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर है, या आपका 10 अक्टूबर है। तो किसकी बात कर रहा है ये, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वायुसेना दिवस की बात कर रहा है ना। तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं अगर राष्ट्रीय वायुसेना दिवस की बात करेंगे तो प्रत्येक 8 अक्टूबर को कब मनाया जाता है, प्रत्येक 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वायुसेना दिवस आपका मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और हम आपको बताना चाहें, अगर हम बताना चाहें आपको कि बताइए कि जो वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है, कौन है आपके वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान समय में, तो वी आर चौधरी, क्या नाम है इनका, वी आर चौधरी। ये भी आप याद रखिएगा कि जो वायुसेना अध्यक्ष है वर्तमान समय में, वायुसेना अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, किसकी बात, वायुसेना अध्यक्ष की, तो वायुसेना अध्यक्ष कौन है आपके, वी आर चौधरी, ठीक है, वी आर चौधरी, ये क्या है आपके वायुसेना अध्यक्ष हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, वर्तमान समय में है, प्रेजेंट टाइम में। और प्रत्येक 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। योगासन में भैया स्वर्ण पदक मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे चर्चा वाली बात यही है, किसमें मिला है, योगासन में, और योगासन में जो स्वर्ण पदक मिलने वाली पहली आपकी खिलाड़ी कौन बन गई। हर वो चीज इंपॉर्टेंट होता है जो आपका पहला और अंतिम होता है, तो देखिए पहला ही है ये, है ना, ये कैसा है आपका पहली खिलाड़ी है ये, तो पहली खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, पूजा पटेल। आप लोग याद होगा कि मैं हमेशा रिविजन भी कराता हूँ, आपको बताता भी हूँ कि पूजा पटेल जी क्या है, यानी कि अभी 36वें राष्ट्रीय खेलों में यानी कि योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये आपकी पहली खिलाड़ी बन गई है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है, वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अब कह रहा है वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार, और नोबेल शांति पुरस्कार से किसे आपका सम्मानित किया गया है, तो देखिए किसे क्या सम्मानित किया गया है, एलिस बियालेस्की को सम्मानित किया गया है, एलेन ऑस्पेक्ट को, या आपका मोटर, ये क्या दिया है, मोटर मेंडल, या एनी एर्नो। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है यार, इसमें देखिए कह रहा है आपका शांति पुरस्कार की बात, क्योंकि ये अब देखिए ये जो नोबेल पुरस्कार है ये आपका चलेगा साल भर, ठीक है ना, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, सारे एग्जामों में आपके पूछा ही पूछा जाएगा। तो एलेन बियालियात्स्की को आपको याद होगा, एलिस बियालियात्स्की को क्या किया गया है, वर्ष 2022 का नोबल का शांति पुरस्कार इनको दिया गया है 2022 का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो एलेन बियालियात्स्की नाम थोड़ा सा आप भले बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार जब पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, ठीक है। मानवाधिकार की
रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाया है और इसीलिए इनको ये पुरस्कार आपका दिया गया है, नोबल का शांति पुरस्कार। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या कह रहा, कह रहा विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थित है जहां लोकार्पण महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अब देखो लोकार्पण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, किसका आयोजन किया जा रहा है, लोकार्पण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वो भी कहां पर, जयपुर, उदयपुर, नाथद्वार या आपका ऋषि। तो आपको बिल्कुल पता होगा, रट गया होगा भाई ये। अभी देखिए शिव शंकर भोलेनाथ की एक प्रतिमा बनी है जो कि कितने फीट है आपकी, 351 फीट है, शिव प्रतिमा है। और इस शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थित है जहां लोकार्पण महोत्सव भी मनाया गया। लोकार्पण महोत्सव याद कर लेना, ये जो लोकार्पण महोत्सव आपका मनाया गया है ये कहां पर, नाथद्वार में मनाया गया। कहां पर भैया, नाथद्वार में आपका मनाया गया। बात राजस्थान की आ जाती है तो हम थोड़ा सा आपको राजस्थान के बारे में बता दें बातें। जैसे राजस्थान आ गया, अब राजस्थान से देखिए कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे बनेगा कि राजस्थान क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे पहला पॉइंट यही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका, राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पर एक पिंक सिटी कही जाती है राजस्थान में, जो आपका पिंक सिटी है वो किसको कहा जाता है भाई आपका, जयपुर को, किसको, जयपुर को। ठीक है, अभी राजस्थान में और आपको चीज़ें बताएं, जैसे राजस्थान में एक स्थान है आपका कौन सा जिला, पाली जिला, ये भी आप याद रखिएगा, कौन सा जिला है आपका, पाली जिला राजस्थान में है। और इसी पाली जिले में बना है क्या, स्टैचू ऑफ पीस, क्या बना है, स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस, और स्टैचू ऑफ पीस का क्या किया गया है, अनावरण आपका किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जो स्टैचू ऑफ पीस है, अगर हम थोड़ा इसकी बात करेंगे तो ये किसकी मूर्ति बनी है, आचार्य सुरेश्वर जी महाराज जी का, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए जितने क्वेश्चन बनते हैं उतना पूरा बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि चीज़ें आपकी याद हो जाए। ठीक है ना, ये क्या है, आचार्य सुरेश्वर जी महाराज जी को आप लोग जानते होंगे, क्या नाम है इनका, आचार्य सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, आचार्य सुरेश्वर जी महाराज, और आचार्य सुरेश्वर जी महाराज जी के क्या बनी है, ये स्टैचू बनी है, जो जैन धर्म के ये आचार्य थे सुरेश्वर जी, और इन्हीं की मूर्ति बनी है, क्या इसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, याद हुआ, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, कह रहा हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला। बात आता है किसकी, सीआरपीएफ की बात कर रहा है, तो किसने कार्यभार अभी हाल ही में संभाला है, तो जनरल रावत सिंह ने संभाला है, या आपका जनरल अरविंद सिंह, अनीस दयाल सिंह, या सुजाय लाल थाउसेन। तो आपको बिल्कुल पता होगा मेरे प्यारे भाई, जो आपके 37वें महानिदेशक के रूप में बनाए हैं उनका नाम क्या है, सुजाय लाल थाउसेन। और सुजाय लाल थाउसेन को क्या करेंगे आप, याद कर लेंगे, ये अभी हाल ही में क्या बनाए गए हैं, सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक बनाए गए। ठीक है, चलिए ये देखिए आपसे क्या कह रहा है, किस केंद्रीय मंत्री ने लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु वेब पोर्टल लॉन्च कर रहा है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एक हफ्ते का, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, और डिस्क्राइब वाला अगर देखना हो तो आप जो डेली का करंट अफेयर में पढ़ाता हूँ उस डेली का करंट अफेयर क्वेश्चन फुल डिस्क्राइब है, उसमें क्वेश्चन भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है आप देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के प्रधानमंत्री पुरस्कार वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, या आपका रामविलास पासवान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो इनका नाम क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्या नाम है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हम बात कर रहे हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया है, अभी उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया भैया, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन को आप जरूर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या नाम है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा किस राज्य सरकार ने फिनलैंड के साथ सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
आपको याद होगा क्वेश्चन, कुछ दिन पहले मैंने आपको ये पढ़ाया है और आपको याद होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बेहतरीन तरीके से दीजिएगा। करक किस राज्य सरकार ने फिनलैंड के साथ सामान्य शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या आपका केरल है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी देखिए फिनलैंड के साथ, किसके साथ, फिनलैंड के साथ किसकी बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है वो कौन सा राज्य। अगर शिक्षा की बात करेगा तो साक्षरता दर बताइए, अगर थोड़ा सा आपको याद नहीं है, ठीक है ना, याद नहीं है और आपको लगाना है कि भाई इसमें कौन सा लगाया जाए कि सही हो जाए, तो थोड़ा सा आप तर्क वितर्क किया कीजिए। इसमें देखिए क्या किसकी बात कर रहा है, अगर साक्षरता की बात करेगा, देखिएगा शिक्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, साक्षरता दर, तो सोचा साक्षरता दर है यह आपका कहाँ पर है भैया, सर्वाधिक आपका केरल में है, कहाँ पर है, केरल में है। तो केरल ने क्या किया, अभी देखिए केरल के बाद शिक्षा आ गई, शिक्षा संबंधित है, तो केरल ने क्या किया है, अभी शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फिनलैंड के साथ अभी समझौते पर क्या किया गया, हस्ताक्षर आपका किया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, केरल राज्य, ठीक है ना, बात केरल किया जाती है। तो केरल के बारे में आपको चीज़ें याद होगी, केरल की लोक नृत्य के बारे में थोड़ा सा आप कनेक्ट करके याद कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। अगर आपसे केरल की बात करेगा, देखिए स्टार्टिंग में आपका क्या है, के है, क है, लास्ट में क्या है आपका, ल है, तो इससे क्या हो जाता है, तुरंत बता दोगे क्योंकि मैंने रटा दिया है आपको टेक के माध्यम से, डेली बताता हूँ। तो क्या है आपका, कथकली, क्या है आपका, कथकली, और लास्ट में आपका ल है, स्टार्टिंग में आपका क है, तो क्या हो जाएगा, कथकली। याद करने की एक ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूँ, केरल का जो लोकनृत्य है क्या है आपका, कथकली, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फिर से यह कह रहा है आपका, किसके नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने के लिए एक घोषणा किया गया है, क्या किया है आपका, बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या है आपका, आकाश अंबानी है, नीता अंबानी है, रतन टाटा है या आपका नरेंद्र मोदी है, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल आप सही तरीके से देख सकते हैं, जिनका नाम क्या है आपका, नीता अंबानी। और नीता अंबानी की बात करेंगे, इन्हीं के नाम पर देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने के लिए एक घोषणा आपका किया गया है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स की बात कर रहा है, किसकी बात है, चीता टास्क फोर्स, और चीता टास्क फोर्स का जो गठन किया गया वो आपका किस मंत्रालय ने किया है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि भैया चीता टास्क फोर्स की बात कर रहा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कह रहा है आपका क्या, कि रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या आपका वित्त मंत्रालय। तो अभी चीता टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है वो क्या है आपका, पर्यावरण मंत्रालय, क्या है आपका, पर्यावरण मंत्रालय। और पर्यावरण मंत्रालय की हम बात करेंगे, अभी चीता टास्क फोर्स का क्या किया गया है आपका, गठन किया गया है, इसको आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी संबंधित देखिए अभी और एक क्वेश्चन आएगा जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क, चलिए अभी बताते हैं आपको। अब देखिए आप हिंदी नितिन सर के साथ आप पढ़ सकते हैं, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण नया बैच आपका प्रारंभ हो गया है। इस बैच का नाम है चाणक्य बैच, है ना। अगर इस बैच से आपको ज्वाइन होना हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इस बैच से आप बेहतरीन तरीके से जुड़िए और हिंदी को अपने बेहतरीन तरीके से मजबूत बनाइए। और आगे आपका एग्जाम है आर ओ एरो वीडियो, उसके लिए भाई बहुत ही वैल्यूएबल ये आपकी क्लास होगी। अगर इस बैच में एडमिशन लेना है तो इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके माध्यम से भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, वहां से कॉन्टैक्ट करिए और अपनी समस्याओं का निदान करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये देखिए आपसे क्या कर रहा है भाई, कह रहा है आपका, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब और किस लिए मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहा है भैया, किसकी बात, मानसिक स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को, 10 अक्टूबर को, 10 जुलाई को या आपका 10 जून को मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो प्रत्येक 10 अक्टूबर को क्या किया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपका, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित किस व्यक्ति को सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। मैं आपको बार बार बताता हूँ किसका नाम, मैं किसकी बात करता हूँ, सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन अवार्ड। और सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन अवार्ड 2022 से जो सम्मानित किया गया है वो किसको, डॉक्टर कृष्ण कुमार को, किसको भैया, डॉक्टर कृष्ण कुमार को क्या किया गया है, सीताराम जयपुरिया फाउंडेशन अवार्ड से क्या किया गया है, इनको सम्मानित
में तय किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, यह कह रहा आपका किस राज्य की टीम ने दिल्ली महिला प्रीमियर लीग में ग्रोइंग स्टार को 6-0 से हराकर दूसरा स्थान पक्का कर लिया। अब ग्रोइंग स्टार 6-0 से हराकर पक्का कर लिया भैया, क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली एफसी है, हिंदुस्तान एफसी, सुदैव दिल्ली एफसी या आपका गढ़वाल एफसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आप ध्यान से देखिएगा और बेहतरीन तरीके से आप आंसर करिएगा। तो आपको पता होगा, एक मैंने आपको रटाया है, क्या नाम है इसका? गढ़वाल एफसी है ना, बहुत ही बढ़िया। देखिए आपको क्या है, गढ़वाल एफसी की बात कर रहे हैं। तो गढ़वाल एफसी ने, यानी कि किस राज्य की टीम ने दिल्ली महिला प्रीमियर लीग में ग्रोइंग स्टार को 6-0 से हराकर दूसरा स्थान पक्का कर लिया है? तो गढ़वाल एफसी, ये आपका चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आपसे क्या कह रहा है भैया, कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण आपका कहां पर किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण आपका कहां पर किया गया है? मुंबई में है, गंगटोक में है, दिल्ली में है या आपका कर्नाटक में? क्वेश्चन नंबर 14 है, आप बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं। तो भैया क्या हो जाएगा, गंगटोक आपको पता होगा, क्या नाम है भैया इसका? गंगटोक। ठीक है, तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का जो अनावरण किया है वो आपका कहां पर किया भैया? गंगटोक में किया है, इसको आप याद रखिए। देखिए अमित शाह की बात बार बार आती है, मैं आपको बार बार बात बताता हूं, या आप देख लीजिए, एक नोट बना लीजिए अमित शाह से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए डेली अमित शाह से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप नोट करते जाइए, ठीक है, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य में एक मछली की नई प्रजाति की खोज की गई भैया? अभी देखो एक नई मछली की खोज की गई है, नई प्रजाति मछली का, वो आपका कहां पर है? सिक्किम में, असम में, त्रिपुरा में या आपका नागालैंड में? जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर भैया। तो ये देखिए एक मछली की जो नई प्रजाति आपकी पाई गई है वो आपका कहाँ पर पाया गया भैया? नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में क्या किया गया है, मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। और नागालैंड में जो नई प्रजाति पाई गई कौन सी नदी के पास है? दिम्बू नदी। आप लोग पता होगा क्या नाम है इसका, नागालैंड में एक नदी है जिसका नाम क्या है? दिम्बू नदी। क्या? दिम्बू नदी। ठीक है, चलिए नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड की आप कुछ बातें आप याद रखिएगा, एक है भैया नागा खीरा, आपको याद है नागा खीरा? नागा खीरा, और नागा खीरा को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। क्या भैया? जीआई टैग आपका नागा खीरा को दिया गया है। और एक है आपका नागा मिर्च, नागा मिर्च भी है, नागा मिर्च, और नागा मिर्च को भी क्या दिया गया है आपका? जीआई टैग आपका दिया गया है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नागा मिर्च की बात करने चल रहे हैं। नागा मिर्च, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च की गई वेब आधारित एप्लीकेशन का नाम क्या है? वेब आधारित एप्लीकेशन का नाम क्या है भैया? तो बिल्कुल बताओ क्या नाम भैया, अक्ष नाम है, दक्ष है, शक्ष है या आपका अक्ष है? ठीक है, अक्ष है। तो आपको बिल्कुल पता होगा अभी जो वेब आधारित एप्लीकेशन एक लॉन्च की गई है उसका नाम क्या भैया? तो दक्ष नाम है। क्या मेरे प्यारे भाई? दक्ष नाम है, इसको भी आप क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी असेंबली 17-20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, इस असेंबली की अध्यक्षता आपका कौन करेगा? इस असेंबली की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू या आपका राजकुमार सिंह? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा? राजकुमार सिंह। क्या हो जाएगा? राजकुमार सिंह। और राजकुमार सिंह ने अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पांचवी असेंबली की 17-20 अक्टूबर 2022 तक नई दिल्ली में ये आपका आयोजन हुआ है। असेंबली की क्या करेंगे भैया? ये आपकी अध्यक्षता करेंगे राजकुमार सिंह जी। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे देखिए क्या कह रहा है भैया कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दिया है? यानी कि औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ जो है लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी आपका दिया है भैया, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या आपका तमिलनाडु हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये राज्य है आपका, कौन सा राज्य है आपका? झारखंड। कौन सा? झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य जो है अभी हाल ही में यानी कि लॉजिस्टिक नीति 2022 को क्या किया गया, इसको मंजूरी आपका प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा भैया हाल ही में
ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट द रेट 20 डीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन आपका किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर, नितिन गडकरी, अर्जुन मुंडा या आपका मनसुख मांडविया ने किया है? क्वेश्चन नंबर 19 आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हो मेरे प्यारे भाई। ये क्या हो जाएगा, इनका नाम क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर। और डॉक्टर एस जयशंकर की बात करेंगे अभी, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट द रेट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक का क्या किया है? अभी हाल ही में विमोचन किया गया है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हाल ही में प्रक्षेपित नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बन गई है? अभी देखिए पहली मूल अमेरिकी कौन बन गई है नासा मिशन में अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार बातें करता हूं कि हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जो आपका पहला अंतिम होता है। तो नाम क्या है इनका, निकोल मान। क्या नाम है? निकोल मान। और निकोल मान ने अभी पहली मूल अमेरिकी आपकी बन गई है नासा में, नासा मिशन के अंतरिक्ष में जाने वाली, ठीक है। अब देखिए UGC नेट पेपर फर्स्ट की बात अगर की जाए तो इसकी कंप्लीट कोर्स आपकी बैच स्टार्ट है मात्र 999 रुपये में। ज्वाइन करने के लिए इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करिए, उसके माध्यम से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है भैया, किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? कुआफू फर्स्ट उपग्रह, तो जो कुआफू फर्स्ट है यह आपका क्या हो जाएगा भैया, कुआफू फर्स्ट की बात करेंगे चाइना है, जापान है, अमेरिका है या आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो अगर कुआफू फर्स्ट की बात करेगा तो आप क्वेश्चन नंबर 21 आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, यह आपका कौन सा हो जाएगा भैया, चाइना, चाइना ने, ठीक है ना, चाइना। तो कुआफू फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया ये आपके किस, कहां पर भैया लॉन्च किया गया, किस देश ने लॉन्च किया है आपका, चाइना ने लॉन्च किया है। करें मुलायम सिंह यादव जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया और वे किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है? तो आपको बिल्कुल पता होगा भैया किस राज्य के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और तीन बार आपके लगातार यानी कि तीन बार आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तीन बार आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक बार रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना, भारत के क्या, रक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो बिल्कुल इसको याद रखना, भारत के रक्षा डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है ये चीज़ें आपको याद हो जाएगा, ठीक है, याद होगा, बड़ा चर्चा में है आपका, ठीक है ना। मुलायम सिंह यादव जी की बात है भैया, एक जमीनी स्तर के नेता, ठीक है, और जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और रक्षा मंत्री भी थे भारत के पहले। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की किसकी बात करता है, कह रहा है आपका 10 अक्टूबर 2022 को किसको इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 आपका प्रदान किया गया वेल एस बर्नानकी या डगलस डब्ल्यू डायमंड या फिलिप एच डैबिंग या आपका उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल आपको पता होगा अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अर्थशास्त्र की, और अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया सभी को दिया गया, किसको, सभी को ये प्रदान आपका किया गया है, ठीक है। फिर देखिए क्या करें आपका, नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगी? तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी कौन सा करेगी भैया, जापान, भारत, अमेरिका या आपका ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 24 आप देख सकते हैं भाई, क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो जापान है ना, किस देश की बात करें हम, जापान की, और जो जापान देश है ये आपका नवंबर 2022 में मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2022 की क्या करेगा, मेजबानी करेगा, इसको भी आप क्या करने याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं भाई, इसमें कह रहा है आपका हाल ही में किसने IBSF, क्या नाम है इसका, IBSF, ठीक है, तो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब जीता है, 25वां विश्व खिताब जीता है, किसने भैया, लीम कोक लियोंग, मोहम्मद इमीज, सौरव कोठारी या पंकज आडवाणी। तो बिलियर्ड्स की भैया बात किया तो आपको रट गया होगा, जिनका नाम क्या है, पंकज आडवाणी, क्या नाम है, पंकज आडवाणी नाम है, ठीक है। तो IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां खिताब इन्होंने आपका जीता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से किस बैंक ने स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की है?
स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने भैया? HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक या आपका ICICI बैंक ने किया है। तो आपको बिल्कुल पता हो मेरे प्यारे भाई कि स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान पोर्टल जो शुरू किया है वो आपको किस बैंक ने शुरू किया है? तो ICICI, कुछ याद है आपको? याद होगा मेरे प्यारे भाई, कौन सा बैंक है आपका? ICICI। और ICICI बैंक ने स्मार्ट वायर नामक एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने की अभी हाल ही में घोषणा किया है। ठीक है, फिर देखिए क्या करा है। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया? किसके लिए भैया? चीतों की निगरानी के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आएगा इसे, तो किससे भैया? आपका कूनो नेशनल पार्क। कौन सा? कूनो नेशनल पार्क। और कूनो नेशनल पार्क जो है इसमें चीतों की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का क्या किया गया है? गठन आपका किया गया है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 आप पे। कह रहा है हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB, क्या है? SERB, और ये आपका इसका सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, कमलेश सिंह, आपका संदीप वर्मा या आपका जगदीप मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 28 आप बिल्कुल देख सकते हैं भाई, तो ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, मैं बार बार आपसे चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, जब नियुक्ति से जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन को मैं रिविजन करा देता हूँ। तो डॉक्टर अखिलेश गुप्ता को आपको पता होगा, और डॉक्टर अखिलेश गुप्ता की बात करेंगे, इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का क्या बनाया गया है? आपका सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया है, यह कार्यक्रम कब तक आयोजित किया जाएगा? राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया, कब तक आयोजित किया जाएगा? 6 नवंबर 2022, 6 दिसंबर 2023, 16 दिसंबर या आपका 6 जनवरी 2023। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं भैया, ये क्या हो जाएगा आपका? 6 जनवरी 2023, 6 जनवरी 2023 की बात है, और इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम क्या है आपका? भूपेश बघेल। और ये जो है राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया है इन्होंने, और ये इसका आयोजन आपका कब तक किया? 6 जनवरी 2023 तक आपका किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या करें भाई। करा आपका जॉन एफ क्लॉसर को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार आपका प्रदान किया गया? जॉन एफ क्लॉसर की बात करें, जॉन एफ क्लॉसर को किस क्षेत्र में बताएंगे? आपका रसायन, भौतिकी, चिकित्सा या आपका साहित्य के क्षेत्र में? क्वेश्चन नंबर 30 आप ध्यान से पढ़िएगा, तो क्या हो जाएगा भैया? किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है ना, तो क्या नाम है? जॉन एफ क्लॉसर को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में क्या किया गया है? प्रदान किया गया है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो एग्जाम आप देख सकते हैं, टॉप 15 मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। अगर इस बैच में आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन हो सकते हैं, मात्र 249 रुपये इसकी फीस रखी गई है। या अगर इसमें ज्वाइन होना है तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। करियर डाउनलोड ऐप Shree91 का, उसके माध्यम से भी आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन क्या करें आपका, क्वेश्चन नंबर 31 करें, पुरुष वर्ग 2022 में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया? हरमनप्रीत सिंह को, मनप्रीत सिंह, PR सिरजेस या आपका विवेक प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है भैया? हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। और हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में क्या किया गया? इनको नामित किया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 32 आपसे, कह रहा है आपका विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर। देखिए ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों है मैं बताऊं? इस क्वेश्चन में देखिए 2-3 आंसर आपके खुद ही छिपे हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन में ही आंसर आपका आ गया, कह रहा है विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को। पूछ लेगा ये विश्व डाक दिवस मनाया कब जाता है, तो कब मनाया जाता है भैया? 9 अक्टूबर को। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, लोगों के दैनिक जीवन में डाक सेवाओं के महत्व को उजागर करने के लिए, ये भी पूछ सकते हैं कि भैया बताइए डाक विश्व डाक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दैनिक जीवन में डाक सेवाओं के महत्व को उजागर करने के लिए आपका मनाया जाता है। और अब आपसे पूछेगा कि बताइए विश्व डाक दिवस की थीम क्या है? ठीक है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है? तो क्या हो जाएगा भैया? मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल प्रायोरिटी या पोस्ट फॉर प्लेनेट, शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक, डोंट डिले, कनेक्ट टू डेट, टाइम टू वर्क। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं भाई क्या हो जाएगा आपका, तो पोस्ट फॉर प्लेनेट, जो पोस्ट फॉर प्लेनेट है यानी कि ये क्या है, इसकी थीम है 2022 की, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या करें भैया, हाल ही में सितंबर माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे आपका दिया गया है?
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार करा अनीता देसाई, सूर्य कुमार यादव, हरमनप्रीत कौर, मोहम्मद रिजवान, निगार सुल्तान, अक्षर पटेल, स्मृति मंधाना या आपका कैमरून गिन। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, या आपका क्या सही जवाब हो जाएगा भाई? हरमनप्रीत कौर को आप लोग जानते होंगे, क्या नाम है इनका? हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान, ठीक है। तो ये जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार क्या किया गया, इनको आपका दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा किया? क्या भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद तो होगा ही। तो न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की अगर थोड़ा सा बात करेगा क्या हो जाएगा? अमेरिका। भारत और किस देश के बीच आपका समझौता किया गया? अमेरिका के बीच अभी घोषणा किया है न्यू एनर्जी टास्क फोर्स का। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहे हैं भैया कि हाल ही में किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने 2022 जापानी फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स आपका जीता है? तो जार्ज एवेकिसी से है, सर्जियो परीज है, चार्ल्स लेक्लर है, आपका मैक्स वर्स्टैपेन। तो बिल्कुल पता होगा भाई इनका नाम क्या है, मैक्स वर्स्टैपेन। क्या नाम है? मैक्स वर्स्टैपेन। और इन्होंने फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर में 2022 में जापानी फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स आपका जीता है, ठीक है। फिर देखो भाई आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा गरुड़ ने एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 45 किलोवाट वर्ग में कांस्य पदक आपका जीता। तो एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2022 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो कहां पर आयोजित किया जा रहा है भैया? आपका बहरीन में, सऊदी अरब में, कतर में या आपका ओमान में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आप देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? तो बहरीन, कहां पर? बहरीन में क्या किया जा रहा है, इसका आयोजन आपका किया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, हाल ही में आतंकवाद विरोधी समिति की एक प्रमुख बैठक के लिए भारत के शहर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की मेजबानी करेगा? तो किस शहर के लिए? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर या ए और बी दोनों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं भाई क्या हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों की बात कर रहे हैं। तो अभी आतंकवाद विरोधी समिति की एक प्रमुख बैठक हुई और इस बैठक के लिए भारत के शहर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिकों की मेजबानी करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा भैया? मुंबई में और नई दिल्ली में क्या करेगा? मेजबानी करेगा। देखिए नई दिल्ली की बात आ गई तो आपको बार बार मैं आपको बताता हूँ, एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन था आपका? 69वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो 69वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, इसे एनसीआर में शामिल किया गया। एनसीआर मतलब, एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल किया गया है। किसको? दिल्ली को शामिल किया गया है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भैया बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या आपका 11 अक्टूबर कब आपका मनाया जाता है? तो प्रत्येक 11 अक्टूबर को, कब? प्रत्येक 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश आपके कौन होंगे, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैं बार बार आपसे बताता भी हूँ। क्या नाम है इनका? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ये क्या बने हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय के 50वें आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे और 8 नवंबर 2022 को रिटायर होंगे। कौन ये? कौन रिटायर होंगे भैया? यू ललित। क्या नाम है? यू ललित। ये आपके 8 नवंबर 2022 को क्या होंगे? रिटायर होंगे, जो आपके इसमें वर्तमान समय में कैसे हैं, आपके 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये भी आप याद रखिए, इनका कार्यकाल देखिएगा डीवाई चंद्रचूड़ का 2024 तक रहेगा। कब तक? 2024 तक क्या रहेगा इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। करक किस संस्थान ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया भैया? आपका IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WEF है, आपका यूनिसेफ है। तो बिल्कुल पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 40 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या कह रहा है, ये कौन लॉन्च किया है आपका? WEF। कौन है भैया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट क्या किया है अभी हाल ही में? WEF ने लॉन्च किया है। फिर देख सकते हैं नितिन सर की हैंड रिटन ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, सामान्य हिंदी, ज्योग्राफी, राज्य व्यवस्था, इतिहास, बायोलॉजी, इन सब सब्जेक्टों को अगर आपको पढ़ना है तो करिए डाउनलोड है पे श्री 91 का, बेहतरीन तरीके से बुक को पढ़िए, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वहाँ से भी आप इस बुक को आसानी से लेकर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या करें आपका, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है।
हाँ, तो क्या भैया आपका सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन की अगर थोड़ा सा बात करेगा तो क्या हो जाएगा, लेह आप याद करिएगा, क्या हो जाएगा भाई, लेह आप याद रखिएगा। लेह में तो सतत यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जिनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव, सो सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस सम्मेलन आपका कहाँ पर आयोजित हुआ, लेह में आयोजित हुआ है, ठीक है ना, लेह लद्दाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपसे क्या करें भैया, करा आपका हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है, किसने जीता है भैया, फटाफट करिए। करा के एम घोष, के एस गिल, वेणुगोपीदास या आपका वजाहत हुसैन, तो आपको बिल्कुल पता होगा क्या नाम है इनका, वजाहत हुसैन, ठीक है ना, क्या है, वजाहत हुसैन। फिर कह रहा आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षिक परिसर मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया, वो आपका कहाँ पर किया है, आपका बिलासपुर, मनाली, अहमदाबाद या आपका जयपुर, ठीक है। तो क्या स्थान है भैया आपका, अहमदाबाद है, कौन सा, अहमदाबाद में क्या किया है, इसका उद्घाटन आपका किया है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की बात करेगा तो ध्यान से अगर समझेंगे तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, ये कौन सा राज्य हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, कौन सा, हिमाचल प्रदेश आपका राज्य हो जाएगा, इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करें भाई, करा किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध आपका लगाया गया, तो बिल्कुल पता है भैया इनका कमलप्रीत कौर पर 3 साल के लिए क्या किया गया, आपका प्रतिबंध आपका लगाया गया है, ठीक है। करा आपका शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च करेंगे, ये तो आपका माँ भारती के सपूत, कौन सा, माँ भारती के सपूत आपका ये आपकी वेबसाइट लॉन्च करेंगे। करा आपका देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन जगहों में के बीच चलेगी, तो आपको बिल्कुल पता है दिल्ली और ऊना के बीच चलेगी, और जो ऊना है आपका कहाँ पर है, आपका हिमाचल प्रदेश में है का आपका ऊना, ठीक है। फिर देखिए क्या करें आपसे, करा प्रतिवर्ष वर्ष आर्थराइटिस दिवस कब आपका मनाया जाता है, आर्थराइटिस दिवस आपका कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, आपका 13 अक्टूबर, प्रतिवर्ष विश्व आर्थराइटिस दिवस आपका कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 48 आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो भैया क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये आपका विश्व आर्थराइटिस दिवस आपकी बात कर रहा है ना, किसकी बात, आर्थराइटिस की, तो क्या बताएंगे 12 अक्टूबर, और प्रत्येक 12 अक्टूबर को आर्थराइटिस दिवस आपका मनाया जाता है, आर्थराइटिस मतलब समझ रहे, गठिया, विश्व गठिया रोग, गठिया रोग आप लोग जानते हैं ना, इसे कहते हैं आर्थराइटिस, ठीक है, गठिया रोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा आपका असमानता सूचकांक में कमी लाने के नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो 121वां, 123वां, 132वां या आपका 136वां, तो क्या राइट हो जाएगा भैया 133वां, 123वां स्थान आपका प्राप्त किया है। करें 11 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जयप्रकाश नारायण की भैया, तो क्या हो जाएगा सीताब दियारा, क्या हो जाएगा भैया सीताब दियारा, और सीताब दियारा की हम थोड़ा सा बात करेंगे, सीताब दियारा की, और यहां पर 15 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया, अनावरण किया गया, किसका, जयप्रकाश नारायण, लोकनायक है ना, लोकनायक नाम से भी इनको जाना जाता है। अभी एक अपनी हिंदी पढ़ सकते हैं, 299 रुपए में आपकी एक हिंदी लॉन्च की गई, हिंदी की बुक लॉन्च की, जिसका नाम क्या है, अपनी हिंदी, जो कि नितिन सर ने बेहतरीन तरह से इस बुक को लिखा है, आपके लिए बेहतरीन तरीके से वर्क किए हैं। तो इसमें देखिए 5000 प्लस आपका अभ्यास प्रश्न, खास बात यह है 5000 प्लस अभ्यास प्रश्न दिए गए, बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए और पढ़ाई भी करिए, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने रिविजन किया एक हफ्ते का, और एक हफ्ते का संपूर्ण रिविजन हो गया, ठीक है। फिर मुलाकात करेंगे आपके नेक्स्ट बेहतरीन तरीके से आपके नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास का आनंद लीजिएगा। सभी हमारे प्रेक्षकों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सीजन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक फैलाइएगा, ठीक है ना। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।